हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है क्लास 7 कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम इसमें जानेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में एक्सप्रेस होती है? वर्ड्स में, ठीक है। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ बीट्स, और जो वर्ड होता है वो किसका समूह होता है? बिट्स का। द लेंथ ऑफ विच वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, और इसकी जो लेंथ होती है वो मशीन टू मशीन वेरी करती है, यानी अलग अलग मशीन में अलग अलग इसकी लेंथ होती है, ठीक है। द वर्ड मे बी एज लॉन्ग एज 64 बीट्स। जो वर्ड है वो मे बी हो सकता है 64 बीट्स इतना लॉन्ग, और शॉर्ट कितना हो सकता है? 8 बीट्स, sort as 8 bits, okay. The fundamental grouping is called a byte rather than as word. जो fundamental grouping होता है उसे हम कहते हैं byte, word के बजाय। मतलब computer की language में हम word नहीं कहेंगे, fundamental grouping को क्या कहेंगे? byte कहेंगे। और fundamental grouping का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जो आपका 8 bits है ना, यही आपका क्या है? fundamental grouping है, क्योंकि 8 bits is equal to 1 byte होता है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका फंडामेंटल ग्रुपिंग है, और इसे हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, वर्ड के बजाय। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8, ठीक है। अ बाइट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। अब बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या उपयोग किया जाता है? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 8 बिट्स में क्या होता है? 1 बाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The terms data and information are frequently used and interchangeable terms. जो terms है, जो computer का terms होता है data और information, उसको frequently ज़्यादातर उसको use किया जाता है interchangeable form में, data information, information से data, ठीक है। दो, यद्यपि at times these terms seem to be synonyms, जबकि हमें लगता है कि ये जो दो वर्ड हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये सिनोनिम्स हैं, सेम हैं, बट इन कंप्यूटर स्टडीज़ दे आर डिस्टिंगाइजेबल। जो कंप्यूटर के स्टडी में, कंप्यूटर के अध्ययन में अगर हम देखा जाए इसे, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ये सिनोनिम्स नहीं हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द वर्ड डेटा मीन्स द बेसिक फैक्ट्स लाइक नेम्स एंड नंबर्स सच एज एम्प्लॉयज़ नेम, प्रोडक्ट नेम एट्सेट्रा। कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में डेटा का मतलब होता है फैक्ट, बेसिक फैक्ट, जैसे नेम हो गया, नंबर हो गया, एग्जांपल में दिया है एम्प्लॉयज़ नेम, प्रोडक्ट नेम, ये क्या है? डेटा का मतलब क्या होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में? बेसिक फैक्ट, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन मीन्स द डेटा विच हैज़ बीन कन्वर्टेड टू यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? टर्म जो इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या होता है? डेटा जिसका जो कन्वर्ट हो जाता है यूज़फुल और मीनिंगफुल फॉर्म में। जो भी डेटा होता है जब वो कन्वर्ट, जैसे हम कुछ भी रॉन्ग सर्च करते हैं, जब वो कन्वर्ट हमें मीनिंगफुल एक आउटपुट मिलता है, तो उसे इसमें इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो मीनिंगफुल आउटपुट हमें मिलता है वो होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और डेटा का मतलब आप लोग समझ ही गए, बेसिक फैक्ट, नेम हो गया, नंबर हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन एनी कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग द डिजिट 0 and 1। डेटा और इंस्ट्रक्शन किसी भी कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? डिजिट 0 and 1 के फॉर्म में, ठीक है। द डेटा यूज्ड बाय अ कंप्यूटर मे बी ऑफ एनी टाइप, कैरेक्टर और न्यूमरल। कंप्यूटर में डेटा किसी भी रूप में यूज़ हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टर के फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में, सॉरी, नंबर के फॉर्म में, ठीक है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल डिजिट 0 to 9 आर यूज्ड। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है वो क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक जिसका उपयोग किया जाता है, ये है आपका डेसिमल डिजिट। डेसिमल डिजिट क्या है? 0 to 9। बट इन कंप्यूटर्स द बाइनरी डिजिट 0 and 1 आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। लेकिन
कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट है 0 और 1 इसी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिट 0 और 1 का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द वेरियस नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम कई सारे अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स, और ये भी जानेंगे कि डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है, ठीक है। बट लेकिन बिफोर लर्निंग द नंबर सिस्टम यू मस्ट बी फैमिलियर विद डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। लेकिन नंबर सिस्टम को जानने से पहले आप नंबर सिस्टम स्टडी करें, इससे पहले आपको फैमिलियर होना पड़ेगा किससे, अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम से। फैमिलियर मतलब परिचित होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और भी जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के प्रकार। सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज, कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम दिए गए हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या है, टाइप्स है नंबर सिस्टम का, ठीक है। कौन कौन सा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ठीक है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन जनरल, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, मतलब सामान्यतः इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउएवर द कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, कभी कभी कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते हैं जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम को, द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज्ड इन द कंप्यूटर, और जो आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये भी कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका यूज़ ज़्यादा होता है ना, जनरली डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ होता है, आप लोगों ने पढ़ा अभी। द नीड फॉर काउंटिंग हैज़ पेव्ड द पाथ टू इंट्रोड्यूस डेसिमल नंबर सिस्टम इन विच 0, 1, 2, 3, 9 आर यूज टू फॉर्म एनी नंबर। काउंटिंग के लिए एक पाथ की ज़रूरत होती है किसी, ठीक है, और वो पाथ क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक। मोस्ट ऑफ आवर एरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद डेसिमल नंबर सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है यानी जो मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशंस है वो किससे परफॉर्म होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम से, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो, 0 to 9, ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, एग्जाम्पल 0 to 9, इसमें कितने डिजिट होते हैं, 10, 0 to 9, इसको आप काउंट कर लीजिए 10 हो जाएगा, विद द बेस 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10। ईच नंबर कैन बी यूज्ड इंडिविजुअल और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू, एक एक प्रत्येक जो नंबर है 0 to 9 जो नंबर है उसका यूज़ हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, यानी सिंगल भी कर सकते हैं और ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। अब जैसे 1, 2, 3, 4 हम सिंगल भी तो इसका यूज़ करते हैं लेकिन ग्रुप के फॉर्म में भी इसका यूज़ करते हैं। ग्रुप का फॉर्म क्या है, एग्जाम्पल में 78, 25, 542, 55 etc, ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, ये जो नंबर्स हैं इसकी जो वैल्यू है प्रत्येक एक एक डिजिट की जो वैल्यू है वो किस स्टेप पे निर्भर करती है वो बताया गया है, ये डिपेंड करती है फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट का फेस वैल्यू क्या है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का बेस क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10 है ना। द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, और ये जो नंबर है जैसे 78 है इसमें डिजिट का नंबर जैसे 8 का जो पोजीशन है वो क्या है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, नंबर में कोई भी नंबर है 78 है या 542 है उसमें एक एक डिजिट का जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर 547 कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 7 इन द यूनिट्स पोजीशन, अब 547 है इसमें जो 7 है ये किस पोजीशन पे है, यूनिट पोजीशन पे, यानी 10, यूनिट पोजीशन क्या होता है आपका, सबसे स्टार्टिंग यही से होता है ना, 4 इन द टेंस पोजीशन, सॉरी 7 आपका क्या है, यूनिट पोजीशन पे है, 1 पे है, और आपका 4 क्या है, 10,
10 पोजीशन पे है और 5 आपका क्या है 100 पोजीशन पे है, ठीक है। इन इट्स वैल्यू कैन बी रिटेन एज, और इसकी जो वैल्यू है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 के किस पे था, 5 है 100 पोजीशन पे, तो 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 10 पे है, तो 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 क्या है यूनिट पे है, तो 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका, यहाँ 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के पावर 2 यानी 100, ठीक है, आपका 547 आ जाएगा। ये है पूरा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जो प्रोसेस कैसे यूज़ ही हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब आ गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन द बाइनरी सिस्टम। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सभी प्रकार के डेटा और इन्फॉर्मेशन को किस में रिप्रेजेंट करता है, इन द बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। कैसे आगे बताते हैं, द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट। बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट होता है, एग्जाम्पल 0 एंड 1, ठीक है। प्रीवियस इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट होते हैं, 2, 0 एंड 1। सिंस दिस सिस्टम यूज़ ओनली 2 डिजिट, इट हैज़ द बेस 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होता है इसलिए इसका बेस क्या है, 2। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या था, 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दीज नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द डेटा इनपुट फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट इन टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सभी जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो, नंबर सिस्टम में जो डेटा इनपुट है वो कन्वर्ट होता है किस में, डेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने जान तो लिया बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 2 बाइनरी डिजिट होती है, 2 बेस होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, 2, और डिजिट क्या है, 0 एंड 1। अब इसका यूज़ क्या है ये जानते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर मानव की भाषा नहीं समझता। द डेटा विच इज इंटर्ड इन टू कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इन टू बाइनरी फॉर्म बिकॉज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कोड। जो डेटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में, जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर समझता है क्या, बाइनरी कोड को, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। इट फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इन टू दियर डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर आउटपुट। इसके बाद जो बाइनरी डिजिट होता है प्रोसेस, डेटा प्रोसेस होने के बाद, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट। जो हमें आउटपुट मिलता है वो डेसिमल के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जो हम इनपुट देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट बाइनरी से किस में कन्वर्ट होके मिलता है, डेसिमल में, ठीक है, ये प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज इट सिंप्लिसिटी। बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसकी सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, ईजी टू यूज़। सिंप्लिसिटी का मतलब ये हुआ, एनी डिवाइस विथ ऑन ऑफ स्विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कंप्यूटिंग डिवाइस यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई भी डिवाइस है वो ऑन ऑफ स्विच का यूज़ कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटिंग डिवाइस, जो भी हम इनपुट डेटा देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। बाइनरी में क्या है, 2 डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट 2 होती है, 0 एंड 1। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10, ठीक है, और डेसिमल नंबर डिजिट क्या होती है, 0 टू 9, ध्यान रखना आप लोग। अब नेक्स्ट क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट, एग्जाम्पल 0 टू 7 विद द बेस 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है वो कितना होता है, 8, और 0 टू 7, और इसका बेस क्या होता है, 8,
ठीक है. द प्रोसीजर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. जो प्रोसीजर होता है ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन का, वो सेम होता है जैसे बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट होता है, डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट होता है और डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट होता है. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज़ द चेंज ऑफ बेस. और इसमें चेंज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो बेस होता है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, इसमें डिफरेंस होता है तो बस बेस का डिफरेंस होता है. अलग अलग नंबर सिस्टम का बेस अलग अलग है. ठीक है. ऑक्टल नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम बाइनरी न्यूमरल्स ग्रुपिंग कंसेक्यूटिव बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 हेल्प ऑफ कन्वर्जन टेबल. कन्वर्जन टेबल की मदद से जो ऑक्टल नंबर है कैन बी मेड फ्रॉम बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर भी बनाया जा सकता है कन्वर्जन टेबल की मदद से. ठीक है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने जाना नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कैसे क्या समझता है. कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है. टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, ये टाइप है. ज़्यादातर डेसिमल नंबर का यूज़ होता है, और जबकि कंप्यूटर किसका यूज़ करता है, बाइनरी नंबर का. ठीक है. और डेसिमल नंबर सिस्टम आपका क्या है, 0 to 9 डिजिट, इसका बेस होता है 10. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है. और आपका जो डिजिट नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे प्रोसेस आपको बता ही दिया मैंने. अब आ गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी डिजिट होता है 2, बाइनरी का बेस होता है 2, इसमें 0 और 1 डिजिट होता है. 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन. ठीक है. बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ क्या है, सबसे बड़ा यूज़ तो यही है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड को ही समझता है. डेसिमल फॉर्म में डेटा हो या किसी फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर समझता है. ठीक है. उसके बाद है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट होता है 8, 0 to 7, बेस होता है 8, इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और हाँ, मैं आप लोग का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, एक एक चैप्टर मैं आपका क्लियर करूँगी. ठीक है. इसके लिए आपको मेरा चैनल विजिट करते रहने होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. हैव अ गुड डे. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.